हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा, श्रद्धास किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर चिल्ली की रेसिपी लेके आई हूँ। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मैं बताती हूँ इसके लिए हमें किन सामग्रियों की आवश्यकता है। पनीर लेंगे हम 250 ग्राम, शिमला मिर्च लेंगे बड़े टुकड़ों में कटे हुए, प्याज लेंगे बड़े टुकड़े में कटे हुए, अदरक और लहसुन को हम बारीक काटे हुए ले लेंगे, ग्रीन चिल्ली लेंगे दो, सोया सॉस, टमाटर सॉस, रेड चिल्ली सॉस, विनेगर, नमक और धनिया की पत्ती, काली मिर्च, मैदा, रिफाइंड ऑयल। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे और करीबन 1/2 टीस्पून ही इसमें हम ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। इसे हम हल्का मिला लेंगे ताकि एक नमक और ब्लैक पेपर की एक कोटिंग हो जाए इसमें अच्छे से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आधा चम्मच के करीब ये लहसुन है, इसे भी हल्के हाथों से इसमें डाल के मिला लेते हैं। अब हम इसमें ना थोड़ा करीबन 1.5 चम्मच के करीब इसमें हम मैदा की डस्टिंग करेंगे। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी इसमें, इस तरह से हल्का डाल के इसे मिला लेते हैं। बस एक हल्की सी कोटिंग हो जाए पनीर पे मैदे की, बस थोड़ा। और देखिए मैंने 1 चम्मच ही मैदा लिया है, उसे ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें हम। अब हम इसे कढ़ाई पे हल्का फ्राई कर लेते हैं। तो चलिए एकदम तैयार है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं सेलो फ्राई। चलिए, मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ये इसमें तेल डाल दिया, ये गर्म हो गए हैं। इसे हम इस तरह से पनीर को इस पे रख देते हैं और दोनों तरफ से हल्का गुलाबी कलर का सेक लेते हैं। हमें इसे पलटी करके अच्छे से गुलाबी होने तक सेक लेना है। फ्रेंड्स, पनीर चिल्ली बनाना बहुत ही इजी आसान है घर पे, और ये खाने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। मैं ना गैस के आंच को मीडियम फ्लेम पे कर देती हूँ। इस तरह से हम अपने पनीर को दोनों तरफ से सेक लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसे सारे पनीर को पलट लिया है, ये एक तरफ से सिक गए हैं, दूसरी तरफ से सिक जाएंगे तो मैं इसे प्लेट में निकाल करके अलग से रख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे पनीर को सेलो फ्राई कर लिया है। ये देखिए, ये बाहर से तो क्रिस्पी हो गए हैं और अंदर से एकदम जूसी हैं, इस तरह से ही। और मैंने इसमें नमक और काली मिर्च की कोटिंग की है तो उससे इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा आएगा, वो फीका एकदम नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम सब्जी को भूनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई में करीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये मैंने करीबन 1 टीस्पून के करीब गार्लिक लहसुन को अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है, इसे इसमें डाल देते हैं। यहाँ मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की ली है, उसे बारीक काट लिया है।
उसे डाल देंगे। एक बार चला लेते हैं, मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है गैस को। यहाँ मैंने अदरक भी बारीक काट लिया है, करीबन एक चम्मच ये भी है, इसे भी इसमें डाल देते हैं। और ये दो हरी मिर्चें हैं, इसे मैंने बीच से काट लिया, इसे इसमें डाल लेते हैं। इसे एक दो बार चला लेना है, हल्का इसका कच्चापन निकल जाए। फ्रेंड्स यहाँ ध्यान देना है हमें कि हम चिली पनीर में ना अगर ये अदरक और लहसुन को बारीक काट के डालते हैं तो इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो आप इसे बारीक काट कर ही डालें। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना, बस ये हो गया है। अब यहाँ पे हम ना, यहाँ मैंने तीन कलर की शिमला मिर्च ली है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना लें, आप एक ही कलर की लें, ग्रीन भी ग्रीन ही थोड़ा ज़्यादा करके डालें। यहाँ हम सबसे पहले शिमला मिर्च, सारी शिमला मिर्च को डाल देते हैं। यहाँ मैंने आँच को तेज कर दिया है, अब हमें अपना तेज आँच पे ही इसे हल्का पका लेना है। एक दो बार चला लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक प्याज भी काट लिया है, इसे भी डाल देते हैं। इन सभी को हमें तेज आँच पे ही एक से दो मिनट खाली कुक करना है, इसे हमें क्रंची ही रखना है, इसका एकदम इस प्याज और शिमला मिर्च को हमें सॉफ्ट नहीं होने देना है। ये क्रंची आता है मुँह में, खाने में इसका स्वाद बढ़ जाता है, तो हम इसी तरह से इसको पकाएंगे। बस एक दो मिनट से तेज आँच पे भून लें, उसके बाद इसमें हम अपने सॉस डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हो गया है, इसे बस हमें इतना ही भूनना है। अब हम इसमें सॉस ऐड करते हैं, ये एक वन टीस्पून के करीब रेड चिली सॉस है, इसे डाल देते हैं। यहाँ टू टीस्पून के करीब मैंने टमाटर केचप लिया है, इसे भी इसमें डाल देते हैं। दोनों को मिला लेते हैं। अब इसमें हम करीबन वन टीस्पून हम इसमें सोया सॉस डाल देते हैं। सभी सॉस को डाल के हम इसे मिला लेते हैं। अब क्योंकि सॉस में ना नमक होता है और हमने पनीर में भी नमक डाला हुआ है, तो यहाँ हम एकदम थोड़ा सा सब्जियों में आ जाए नमक, बस उतना ही, हाफ टी स्पून के करीब डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और करीबन हाफ टी स्पून ही इसमें हम ब्लैक पेपर भी डाल देंगे। इसे मिला लेते हैं अच्छे से। अब यहाँ हम करीबन हाफ कप पानी डाल देंगे, बस इतना ही। पानी ऐड करने के बाद एक बार ये पानी में हल्का उबाल आ जाए तब हम इसमें पनीर डालेंगे। तो देखिए पानी में उबाल आ गया, अब ये पनीर जो है हमारे इसमें सारा डाल देते हैं, क्योंकि जब हम पनीर ऐड करेंगे ना तो ये जितने भी पानी इसमें है पनीर सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और ये एकदम सूख जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे पनीर चिली एकदम तैयार है। इसमें हमें बस थोड़ा सा विनेगर डालना है। तो अब हम इसमें करीबन वन टीस्पून विनेगर डाल देंगे, बस इसे भी मिला लेते हैं अच्छे से। और लीजिए हमारी पनीर चिली एकदम तैयार है, ये खाने में काफ़ी टेस्टी है, तो आप इसे एक बार घर पर ट्राई करें। और मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट भी करके मुझे बताएं। तो बस अब हमें इसे इतना ही कुक करना है, मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब मैं इसे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारी पनीर चिली एकदम तैयार है, इसे मैंने ड्राई बनाया है। अगर आप इसे इसकी थोड़ी लिक्विड बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर में एक चम्मच कॉर्नफ्लावर में हाफ कटोरी पानी में घोल करके उसमें डाल करके इसकी ग्रेवी भी बनाना तैयार कर सकते हैं। हमें तो आज ड्राई बनाना था तो मैंने इसे ड्राई बनाया।
तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।